सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, स्वागत है तुहाडा ए वी फूड मैजिक च। सावन दे महीने च अजकल एक मिठाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वह है घेवर। घेवर हुण पंजाब च भी बहुत ईजीली मिल जाता है और रखड़ी आते आते तो सारी दुकानों पर दिखना शुरू हो जाता है। बाजार से तो घेवर मिल जाता है, लेकिन घर च भी इनू असी बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। बस तुहानू कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और फिर तुसी अगर पहली बार भी घेवर बनाओगे ना तो वह भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। घेवर बनाने वास्ते सब तो पहले असी बनाएंगे रबड़ी। ये वास्ते असी लेते हैं 1 किलो दूध और यह जो दूध है वो फुल फैट है। इनू असी रख देंगे काढ़न वास्ते। जब दूध उबाला आ जाए तो ये पाएंगे 2 चुटकी हल्दी। तुसी चाहो तो ये केसर भी पा सकते हो और ये पाएंगे 4 से 5 बूंदा नींबू के रस दियाँ। ऐसे सिर्फ नींबू का रस पाना है, विनेगर वगैरह नहीं पाना, क्योंकि असी दूध में एकदम तो नहीं फाड़ना। इन हल्का दाना आएगा दूध से और इनू रख देंगे काढ़ने वास्ते। जब दूध कड़के अद्धा हो जाए तो ये पाएंगे असी मिल्क पाउडर और ब्रैड। ब्रैड पाने नाल रबड़ी बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। एवें तो सानू दूध में पूरा काढ़ना पैंदा, लेकिन जब असी ब्रैड पाएंगे तो एकदम तो गाढ़ी हो जाएगी। तुसी देख सकते हो अद्धा दूध असी काढ़िया सी। ऐसे पाएंगे ब्रैड, इनू अच्छी तरीके नाल मिलांगे। इत्थे 2 पीस ब्रैड पा रहे हैं असी। इनू चंगी तरीके नाल मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर उबालेंगे और रबड़ी बन जाएगी साडी। यह जो रबड़ी बनी है ना, ये जो बिल्कुल भी ब्रैड का टेस्ट नहीं आता। किसी को नहीं पता लगेगा कि ये ब्रैड पई है। रबड़ी नू ठंडा हो जान देंगे, तद तक असी बनाने हैं चासनी। चासनी बनाने वास्ते असी इत्थे लेती है 2 कप चीनी और ये पाएंगे असी 2 कप पानी। जिनी चीनी लेनी है उन्ना ही पानी पाना है। ज़्यादा पानी पाने नाल चीनी नू ज़्यादा काढ़ना पाएगा। इनू असी उबाल लेंगे, इनू गैस पर रख देंगे। तद तक जब तक उबाला आ रहा है असी घेवर की तैयारी करते हैं। ये वास्ते असी लिता है 1/2 कप घ्यो। पिघलिया नहीं होया तो इनू तुसी पिघला लो और ये पाएंगे असी 5 से 6 टुकड़े बर्फ के और इनू अच्छी तरीके नाल हाथ नाल फैटना है। तद तक फैटना है जब तक कि घ्यो का कलर चेंज नहीं हो जाता और घ्यो हल्का नहीं हो जाता। उन्नी ज़्यादा इनू असी फैट रहे हैं, यह हल्का होंदा जा रहा। पूरा घ्यो फैटने से सानू 3 से 4 मिनट लग जाएंगे और इनू अच्छे तरीके नाल फैटना जरूरी है, तइयां घेवर अच्छा बनेगा। घ्यो साडा अच्छी तरीके नाल फिट गया और जिहड़ी एक्स्ट्रा बर्फ है या तो तुसीं ज़्यादा लग रही तो फेंक सकते हो, नहीं तो असी जब इनू मिक्सी च पीसांगे तो फिर पीसने से भी यह थोड़ा गर्म हुंदा है। तो असी 3-4 टुकड़े अगर रह गए ने तो असी नाल ही पीस सकते हैं। तुसीं देख सकते हो जिन्ना असी घ्यो लिता सी क्वांटिटी से उस तो बहुत ज़्यादा हो गया और यह बिल्कुल मक्खन आर लगन लगे। और जिहड़ी चासनी रखी सी असी उबालन वह भी बन गई है। वह पाएंगे 1 चुटकी हल्दी और गैस नू कर देंगे बंद। हुण जिहड़ा असी घ्यो फेंटिया सी इहनू पा लेंगे मिक्सी च। इहदे नाल ही पाएंगे असी 1.5 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेसन, 1 छोटा कप दूध और 2 कप पानी। दूध और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, यानी फ्रिज तो निकले एकदम ठंडा पानी और ठंडा दूध ही पाना है। 2 कप पानी है, 1 कप दूध और इनू असी चला लेना। ज़्यादा देर नहीं घुमाना, नहीं तो जरा घ्यो है वो उपर आ जाएगा। तुसी देख सकते हो बैटर एकदम असी अच्छा बना दिता है और ये असी पानी पा के इनू पतला करना। घेवर का जरा बैटर है एकदम रनी होना चाहिए पतला। हूँ किसी भांडे से तुसी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि पतीले से घेवर बन जाता है या फिर फ्राई पेन जिकन असी बना रहे हैं वैसे घेवर बन जाता है। अगर तुसी बिगनर हो और पहली बार घेवर बना रहे हो तो यह गलती कभी नहीं करना कि तुसी पतीले से घेवर बनाओ, क्योंकि तुहानू जिहड़ा घ्यो लेना वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए है, एकदम खौलदा घ्यो लेना। और जिहड़ा तुसी बैटर पा रहे हो एकदम ठंडा बैटर है। तो कई बार की होंगे जैसे ही असी बैटर घ्यो च पाने घ्यो एकदम तो उपर आता है और कई बार बाहर निकल आता है। साडे नाल भी सेम ऐसा ही होया। जिहड़ा असी बैटर पाया सी वो पहला घेवर तो साडा प्रॉपर बन गया, लेकिन सैकेंड घेवर से घ्यो ज़्यादा गर्म हो गया और बैटर असी कड़छी पुर के पाता तो घ्यो सारा बाहर आके आग लग गई सी। तो यह अगर पहली बार तुसी घेवर बना रहे हो तो सही मैथड नहीं है। यह तो पहले भी असी
घेवर बनाया है, पतीले च बनाया है, प्रॉपर बनता है। लेकिन अगर तुसी पहली बार बना रहे हो तो रिस्क रहिंदा है अग लगने का, तो इस मैथड नाल तुसी कभी भी घेवर नहीं बनाना। यह बिल्कुल सही तरीका नहीं है अगर तुसी पहली बार मैथड बना रहे हो। तुसी देख सकते हो असीं जिन्नी बार भी बैटर पा रहे हैं घ्यो उपर आ रहा और अग जी बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी है। जब भी असी घेवर बनाने तो अग लगने का हमेशा खतरा रहिंदा है। हुण असीं तुहानूं बता रहे हैं कि घेवर प्रॉपर तरीके नाल तुसीं किवें बना सकते हो। तुसीं कढ़ाई लैनी है, उत्ते च अद्धी कढ़ाई तो भी कट घ्यो पाना है। उहदे च रखांगे एक रिंग, रिंग ईजीली बाजार च मिल जांदियां ने, या फिर तुसीं चीज़ केक बना दे हो तो उहदी भी रिंग होंदी है, उह भी यूज कर सकते हो। और तुसीं कढ़ाई च रिंग अगर वड्डी रख रहे हो तो एक घेवर बनेगा, अगर छोटी रिंग रख रहे हो तो एक बार च दो या तीन घेवर ईजीली बन जाते हैं। तो रिंग नूं असीं रखांगे और तेल नूं खूब गर्म कर लेंगे, इहदे च पाँगे बैटर, और बैटर असीं सिर्फ दो चम्मच पाना है एक बार च। जब दो चम्मच बैटर पाँगे तो तेल उपर आएगा, फिर जब थले चला जाए फिर असीं बैटर पाँगे फिर उपर आएगा। मतलब असीं खट्टा बैटर नहीं पाना, दो दो चम्मच करके बैटर पाँगे। और यह सब तो सेफ तरीका है घेवर बनाने का, जिसे अग लगने का खतरा बिल्कुल नहीं रखता। क्योंकि जब भी तुसी बैटर पाते हो अगर घ्यो उपर आता भी है तो कढ़ाई से आता है, कढ़ाई तो बाहर कभी भी नहीं निकलता। तुसी देखा होगा हलवाई भी रिंग रख के ही बनाता है, प्रॉपर पतीले से कोई भी नहीं बनाता। तो इस वास्ते जब तुहाडा घेवर तुहानू लगे ब्राउन हो गया तो रिंग नूं तुसी ईजीली निकाल लो, और तुसी देख सकते हो घेवर वो बिल्कुल सैट हो चुके हैं। इनू असी अच्छे तरीके नाल सिक जान देंगे, जब बिल्कुल ब्राउन हो जाए तो इनू असी निकाल लेंगे चिमटे की या करछी की मदद नाल। घेवर नूं रखांगे प्लेट से, इहदे उपर पाँगे चासनी, चासनी ठंडी हो गई है और गाढ़ी भी, तीन चार चम्मच चासनी अच्छे नाल घेवर से पाँगे जिन पूरा रस जाए, सॉफ्ट होंदा है। इस वास्ते डायरेक्ट चासनी से नहीं पा देना, चासनी नूं घेवर से पाना है। और घेवर एकदम चालीदार बनया से साडा, उहदे उपरों लगाएंगे ठंडी ठंडी रबड़ी। तुसीं डेकोरेट कैसे भी कर सकते हो, असीं उपरों बादाम लगाए ने और गुलाब के फुल दी पंखड़ियां लगाईया ने। तुसीं अपने पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट नाल इहनूं डेकोरेट कर सकते हो, और बहुत अच्छा घेवर तुसी काल बना सकते हो अगर पूरे टिप्स नूं फॉलो करो। तो घेवर बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। ऐस वैसे एक बार इनू जरूर ट्राई करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो नूं लाइक करो, होरां नाल भी शेयर करो, और चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भूलो।